जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आइए दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं जून माह का राशिफल। इस माह में शनि बकरी होने जा रहे हैं। आपकी वृषभ राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं और कैसे कैसे आपके नई योजनाओं में आपको सफलता मिलने वाली है। थोड़ा विलम्ब के कारण मैं वीडियो का अपडेट नहीं कर पाया, उसके लिए आपने देखा होगा काफ़ी विलम्ब हो गया। कोई घर में ऐसी व्यस्तता के कारण हम थोड़ा नहीं डाल पाए समय से, इसके लिए हमें खेद है। बाकी आइए जानते हैं आगे की रणनीति आपकी क्या चल रही है वृषभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले जानते हैं 4 तारीख को जो है शनि बकरी होंगे और 10 तारीख को निर्जला एकादशी, भगवान विष्णु का जो सबसे बड़ा एकादशी होता है उनकी पूजा करें। 14 तारीख को पूर्णमासी, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पितरों के लिए 29 तारीख को, जून को अमावस्या है, पितरों की पूजा करें। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करते हैं कैसा रहने वाला है। आपका यदि हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ आपका थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जितना आप यात्रा करते हैं, जितना आप घूमते, लग्जरियस लाइफ आपको पसंद होती है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है खान पान की। आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। धन की अपेक्षा की बात करते हैं तो धन आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धन का आपको सम्मान करना है और धन का व्यर्थ खर्च नहीं करना है और किसी को धन भी नहीं उधार देना है, जिससे आपके धन की ग्रोथ सदा बनी रहेगी। पराक्रम की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं और धार्मिक होते हैं, समाज में काम करने वाले होते हैं। और सुख की यदि बात करते हैं इस महीना तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी लोग का सुख है, जो इसमें आप कोई बड़ा काम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। गाड़ी का भी योग आपका दिखाई दे रहा है, गाड़ी का भी आपका योग बनेगा। जो विद्यार्थी हैं, जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार से हैं, डिफेंस से हैं या कोई भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो पीछे चीज़ें नहीं हो पा रही थी, जून के महीने में आपको शुरुआत होगी और अच्छा आपको रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जिससे आपको लाभ होगा। जिसको आप अपना मानते हैं वही व्यक्ति आप कहीं ना कहीं धोखा देता है, तो आप सारा राज उसको ना बताएं, आप अपनी वाणी को गुप्त रखें। जब आपके काम हो जाए तब आप उनको शेयर करें। यदि आप ऐसा जल्दी जल्दी में कह देते हैं तो आपका काम नहीं होता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। ऐसे में बुजुर्गों का आपको सम्मान करना है और शादी के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है, स्त्रियों को भी सम्मान करना है। बुजुर्गों से आपको कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, किसी से आपका भाग्योदय, कोई आपको फंड ट्रेडमार्क है या ट्रेडर्स का काम है या आपका जो टेक्निकल का काम है, हार्डवेयर का काम है, इस तरह के जो ठेकेदारी काम है, लाइजिंग का काम होता है, इस तरह के कामों में आपको सफलता मिलेगी और आप आगे उसमें बढ़ते रहेंगे। मैनेजमेंट है, होटल है या कुकिंग का काम है, इस तरह के काम में भी आपको सफलता के योग इस महीना दिखाई दे रहे हैं। दशमेश और भाग्येश आपके गोचर के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से शनि होते हैं। शनि जो है आपकी जन्म राशि में यदि बकरी हैं तो 4 जून से बकरी होने जा रहे हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रुके हुए पिछले 6 महीने काम आपके जून से आपके शुरुआत हो जाएगी, आप पूरे तरीके से उसको फॉलो करेंगे और संतुष्ट अपने लाइफ जीवन में रहेंगे। लेकिन यदि आपके जन्म के समय शनि बकरी नहीं होता है, मार्गी होता है, तो आपको मध्यम फल मिलेगा। बकरी का मतलब ये होता है कि आपको यदि अच्छा फल देना है तो जल्दी दे देगा, उल्टा फल भी देता है तो जल्दी देगा, मतलब किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं रखेगा। तो शनि की पोजीशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल गुरु आपके आय में है, ऐसे में आपको किसी प्रॉपर्टी का योग भी दिखाई दे रहा है, किसी तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में उसको लाभ मिलेगा, या प्रॉपर्टी में कोई आपका पैसा फंसा हुआ है वो 4 जून के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राहु शुक्र की उत्ती 12वें भाव में है तो कोई भी चीज़ में आप उत्तेजना ना करें, आप धीमी धीमी गति से काम करेंगे, आपको लाभ होगा। और स्त्रियों के माध्यम से आपका कोई शुभ समाचार आपको ये भी मिलने के संदेह दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यदि आप व्यापारी हैं, आपके व्यापार में कोई आपकी रुकावट आ रही है या नहीं चल पा रहा है, उसके लिए आप एक शुक्र की पूजा करें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चावल की साबुत खीर बनाएं और खीर का भोग भगवान लक्ष्मी जी को मंदिर जाके लगाएं, इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आपको व्यापार में भी दिक्कत आ रही है, हेल्थ में दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप फायर ऊपर रतन होता है उसको धारण करेंगे, उससे भी आपको सफलता
मिलेगी और आपको नई एक रणनीति के योग बनेंगे जिससे आप सफल होने के संदेह आपको दिखाई दे रहे हैं। अपना राज जो होता है, जो आप योजनाएं बनाते हैं, जिस योजनाओं पर आप चलते हैं, उस योजनाओं की किसी को शेयर ना करें। यदि आप करते हैं तो उसमें आपको विलंब से काम होगा, लास्ट में मना हो जाएगा। आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आपकी राशि में जो है शुक्र का पूर्ण प्रभाव बने रहेगा, बुध का प्रभाव बनेगा और शनि का भी प्रभाव आपको बनेगा, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से योग्यता के अनुसार आप उसमें सफल पा सकते हैं। तो ध्यान देने की आपको आवश्यकता है कि शुक्र को बलिष्ठ करें और अपने जीवन में बड़े से बड़े काम करें, और करने से पहले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप परामर्श लें, पहले दिखाएं पत्रिका, उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। होता क्या है कि आपने बिना विचारे जो कोई काम शुरू कर देते हैं, वो काम में सफलता नहीं मिलती है, बाद में पछतावा होता है। तो जो भी काम करें एक तरीके से करें, रणनीति के साथ, तैयारी के साथ करें, आपको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं। जय माता दी।